सो हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित ठाकुर, आप लोगों का इंग्लिश टीचर आपके सामने। और आज करने वाले हैं 10th क्लास इंग्लिश का एक और न्यू चैप्टर जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, जो कि टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट टू है। तो पूरी वीडियो को देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। किसी को भी नोट्स चाहिए, अगर कोई डाउट पूछना है, तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। दोस्तों, ये चैप्टर लिखा गया है राइटर फ्रेडरिक फॉर्सिथ के द्वारा, जिसके अंदर राइटर हमारे को अपना एक एक्सपीरियंस बताता है और कहता है कि ये तब की बात है जब वो फ्रांस गया था और फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहा था, और वो अपने एक प्लेन में था, दैट वाज DS-088 ओल्ड डकोटा। अब जब वो अपने प्लेन को उड़ा रहा होता है और इंग्लैंड जा रहा है, और उसकी जो जर्नी है, जो यू नो टाइम, जो डिस्टेंस है वो है 150 किलोमीटर, जो उसे और ज्यादा ट्रैवल करना है। और उस टाइम पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, वैसे अंधेरा हो रहा था, लगभग 2 के आसपास बज रहे होंगे, 1-2 बजे के आसपास, मिडनाइट के बाद का समय होता है। तो उसे सिटी लाइट्स नीचे की तरफ दिखाई देती हैं, बट सामने की तरफ जब वो देखता है तो अपने मन में वो इमेजिन करता है कि किस तरीके से वो एक बहुत ही बड़ा सा एक बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने वाला है अपनी फैमिली के साथ। एंड ही वाज बैडली मिसिंग हिज फैमिली, एंड दैट इज व्हाई ही वांटेड टू रीच इंग्लैंड एज सून एज पॉसिबल। और वो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा ब्रेकफास्ट करेगा, बट थोड़ी देर बाद उसे सामने की तरफ ब्लैक क्लाउड दिखाई देते हैं। और जैसे ही उसे ब्लैक क्लाउड दिखाई देते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब राइटर के सामने ब्लैक क्लाउड्स आते हैं तो उसके मन में एक क्वेश्चन आता है कि मुझे इस स्टॉर्म को एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास ज्यादा फ्यूल नहीं था, उसने लास्ट फ्यूल टैंक में स्विच कर लिया था। अब उसके बाद अगर वो क्लाउड्स के अक्रॉस उड़ के जाएगा या ऊपर से या नीचे से उड़ के जाएगा, तो उसके पास इतना इनफ फ्यूल नहीं है, या तो वो वापस चले जाए या फिर सीधे चले जाए। और क्योंकि वो अपनी फैमिली को मिस कर रहा था, दैट इज द रीजन ही डिसाइडेड कि वो उस स्टॉर्म के बीच में से ही निकलेगा और ही विल टेक द रिस्क। तो एक क्वेश्चन आता है कि आई विल टेक द रिस्क, तो किस रिस्क की यहाँ पे राइटर बात करता है? तो वो ब्लैक क्लाउड्स में एंटर करने का जो रिस्क था उसकी बात करता है, और फाइनली वो रिस्क ले लेता है। और जैसे ही वो अंदर एंटर करता है तो क्या चेंजेस आते हैं, क्या प्रॉब्लम जो है वो राइटर को फेस करनी पड़ती है? सबसे पहली प्रॉब्लम जो दोस्तों आती है, दैट वॉज कि उसका प्लेन ट्विस्ट करने लग जाता है, मतलब क्लाउड्स में ट्विस्ट करने लग जाता है, शेक करने लग जाता है। उसका रेडियो काम करना बंद कर देता है, जिससे वो कंट्रोल सेंटर से बात करता था, कंट्रोल रूम से बात करता था। उसका कंपास, जिससे डायरेक्शन देखते हैं, वो काम करना बंद कर देता है। और ऑब्वियसली उसका लास्ट फ्यूल टैंक था और उसके पास फ्यूल भी इतना ज्यादा नहीं था कि वो उड़ पाए। तो ये सारी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है। अब जब वो उस स्टॉर्म के अंदर था, तो उसके मन में यही बात आ रही थी, शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, वो बच नहीं पाएगा। लेकिन इतने में उसे सामने की तरफ राइट की साइड से एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है। एंड द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग अबाउट द प्लेन वॉज दैट इट वॉज नॉट हैविंग लाइट्स ऑन विंग्स। तो उसे लगता है जैसे मानो उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट जो है वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है और कह रहा है फॉलो मी, और वो एक ऑबिडियंट चाइल्ड की तरह उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करने लग जाता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब जब वो उसे फॉलो कर रहा था तो काफी टाइम बीत गया है और अब उसे डर लग रहा है, क्योंकि 5-10 मिनट्स उसका प्लेन ऑन हो सकता है और उसके बाद शायद क्रैश हो जाएगा। लेकिन लकीली उसे सामने दो लाइट्स दिखाई देती हैं, और वो रनवे की लाइट्स होती हैं। वो जैसे ही नीचे की तरफ जाता है ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते हुए, तो ब्लैक एरोप्लेन पता नहीं कहाँ डिसअपीयर हो जाता है और वो रनवे पे नीचे उतर जाता है। एंड ही वॉज हैप्पी टू वॉक अवे फ्रॉम हिज ओल्ड डकोटा। उसे दूर जाने में खुशी हो रही होती है ओल्ड डकोटा से, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और डकोटा में बैठा होता तो वो भगवान को प्यारा हो जाता। अब वो कंट्रोल सेंटर में जाता है उस रनवे के, उस एयरपोर्ट के, तो वहां पे एक लेडी बैठी होती है जिससे वो पूछता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है वो कहाँ है, जिसने मेरी जान बचाई थी, जो वहां स्टॉर्म में था। तो वो लेडी उसको बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से देखती है और कहती है कि रडार पे मैं सिर्फ तुम्हारे प्लेन को ही देख पा रही थी, वहां पे कोई दूसरा प्लेन नहीं था। एंड द राइटर वॉज कंफ्यूज कि ये कैसे हो सकता है, वो सरप्राइज, ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज कि यार ये कैसे हो सकता है, तो वहां पे स्टॉर्म में मेरी जान बचाई किसने, जब मेरे पास रेडियो नहीं था, जब मेरे पास कंपास नहीं था, मेरे पास इनफ फ्यूल नहीं था, तो किसने मेरी जान बचाई? तो अगर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आता है इस चैप्टर को लेकर, तो हम लिखते हैं कि ये शायद उसकी खुद की एक विल पावर थी, या उसकी खुद की एक इमेजिनेशन थी, एक पॉजिटिव अंदर की एक गट फीलिंग थी जो उसे लैंड कराती है सेफली उस एयरपोर्ट पे, और राइटर तो सरप्राइज आई। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन जरूर करो, मैं रिप्लाई करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं क्विज पोस्ट करते रहता हूं चैप्टर से रिलेटेड, तो वहां पे आप आंसर देके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। नोट्स के लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को इसी तरीके से मिलती रहे। और अपने भाई बहनों का सपोर्ट करने वाले हैं तुम्हारे सुमित भैया। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।